और इतना अच्छा सुन रहे हैं महिलाएं, तो बिल्कुल एक महिला ने सीटी बजाई थी, पता नहीं कहां बैठी है, वो बैठी है ना वो भी श्याम भाई, हाँ ठीक है। एक इधर भी बजा रहा था केजरीवाल का चेल्ला ताली, यही बजा रहे थे ना। हाँ मैं भाई साहब, मुझे बचपन से ही पता है केजरीवाल के फैन है, बचपन से ही ताली बजा रहे हैं ये। चलिएगा साहब, बहुत बढ़िया माहौल है, और इस माहौल में मैंने एक बात देखी है, क्या वो लोग बच गए हैं जो वास्तव में कविता के प्रेमी हैं, जिनको खाना खा के जाना था साहब, वो चले गए हैं। और श्रद्धे के लिए मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि उनके तो कार्यक्रम व्यस्त होते हैं, लेकिन वो लोग जो केवल यहां पर भोजन के लिए आए थे साहब, वो लोग चले गए हैं। कविता के प्रेमी अभी भी उतने ही बैठे हैं। एक बार जरा हाथ खड़े करके बताइएगा कि आप लोग सभी सुनना चाहते हैं, पवार जी को भी लास्ट में सुनेंगे हम लोग, तमाम लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, इतनी शांति से बैठी हैं, बहुत बढ़िया सुन रही हैं। हमारे हरियाणा की लुगाई इतनी देर जो चुप बिठा दो, भाई साहब बैठ नहीं सकती हमारे हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप, इतनी शांति से महिलाएं सुन रही है। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, एक बार हमको भी शेयर करवा दे। बोले यार तुम शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे, बिठा ले अपने हेलीकॉप्टर में। पूरा परिवार इस शर्त पे हेलीकॉप्टर में बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। अब वो हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई हो तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला, मना कर रखी थी पूरे परिवार को, कोई शोर नहीं मचाएगा। पीछे मुड़ के देखा सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा, माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली, बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। तालियां थोड़ी आई जाए, एक बार तालियां खुल के बजाओ दोस्तों। बहुत बढ़िया, आपको मैं चाहता हूं कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकूं, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। अभी दिल्ली में कवि सम्मेलन, एक VIP बैठा आगे भाई साहब, मैंने कविता सुनाई, नई ताली बजाई। मैंने कहा भैया ताली क्यों नहीं बजा रहा? बोला बड़ा आदमी हूं मैंने तो आदमी रखे हुए हैं। अरे मैंने कहा तालियों के लिए आदमी रख लिए, एक कविता और सुनाई सारे हंसे, वो ही नहीं हंस रहा। मैंने कहा भैया तू क्यों नहीं हंस रहा? बोला बताई तो थी बड़ा आदमी, वो आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा यार छोड़ यार, इसने तो हर काम के लिए आदमी रखे हुए हैं। चार पांच दिन बाद सड़क पर आते हुए मिल गया, मैंने कहा नमस्ते भाई साहब। बोला नमस्ते। मैंने कहा सुना आपकी शादी हो गई? बोला हाँ। मैंने कहा हनीमून पे नहीं गए? तालियां थोड़ी है ये बात, बिल्कुल मस्ती के साथ एक बार आप उल्लास के साथ सुनिएगा। बहन जी बैठी है, मैं बहुत बढ़िया महिलाओं का जिक्र करा, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करा, मोदी जी का जिक्र करा। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं, जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते शपथ ग्रहण समारोह कैसे होता है, और उन्हें ऐसे बिठा देते हैं जैसे मेहता जी और ये भाई साहब बैठे हुए हैं, और एक ही बात कहते हैं, आज मैं जो कुछ भी हूं जहां कहीं भी हूं इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां कहीं हैं। पीछे वालों की तालियां कम आ रही है साहब, पता नहीं क्यों कम आ रही है। हाँ, कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। कोई भी नेता जब बयान देता है इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, उन बयानों पर आपका प्यार चाहूंगा। अभी थोड़ी अव्यवस्था बन जाएगी, ये भी कोई दिक्कत नहीं, जो लोग घूम रहे हैं वो बैठ जाए, अपना स्थान बना ले, बैठ जाओ भाई साहब, आप भी बैठ जाओ। महिला भाभी है, अच्छा फिर तो कोई बात, भाभी जी प्रणाम, राम राम। नहीं मैं सच बता रहा हूं, बहुत महिला बहुत बढ़िया सुन रही है। दिल्ली में कवि सम्मेलन, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैंने बाद में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। पता नहीं महिला कहां निपटा दे, पहले नारियों को अबला कहा जाता था, अबला, आज महिलाओं को सबला कहा जाता है। अबला क्यों कहते हैं बहन जी, आपको भी नहीं पता अबला क्यों कहते हैं? आज सबला क्यों कहते हैं महिलाओं को, मैं बताता हूं, बात अच्छी लगे तो आपकी बात, आपकी तालियां चाहूंगा। अबला महिलाओं को इसलिए कहा जाता था, पति खर्चे के थोड़े से पैसे दे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, महिला पत्नी पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला, इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है, तालियां नहीं बजा रहे पीछे वाले लोग, मस्ती चाहते हो तो तालियां बजाओ, ये बात। हां, कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले, अब सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। अगले दिन एक और बयान दिया, घर घर में शौचालय बनवा दूंगा। मैंने कहा सर जब ना खाओगे
और योगी जी बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं तो क्या बात है। बहुत अच्छे, वाह सर क्या बात। इन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने आते ही मेरे को एक पान खिला दिया था, उसका चक्कर अभी तक नहीं मिटा मेरे दिमाग में से भाई साहब। ये तो शुक्र है श्याम भाई का। श्याम भाई जो आपके बराबर में भाई भैया बैठे हैं ना, मेरा एक निवेदन है, इनके सर पे एक भी बाल नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इन्होंने सीट बदल ली, इनको वहीं बिठवा दो, क्योंकि वो जो लाइट है ना इनके सर पे पड़ रही है और चौंधा मेरी आंखों में लग रहा है भाई साहब। मैं गलत नहीं कह रहा भाई साहब, डायरेक्ट लाइट पड़ रही है मेरी आंखों में, क्योंकि कोई किसी पुरुष के सर पे दो ही महिलाएं हाथ फेर सकती हैं ऐसे करके, एक पत्नी और एक माँ। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बड़े होते हैं। कई लोग तो पूरे मोहल्ले का हाथ फिरवाए बैठे हैं, तालियां कम बजा रहे हैं, पता नहीं क्या बात है साहब। ये राजस्थान के लोग हैं, धीमी तालियां क्यों बजा रहे हैं? और हमारे हरियाणा वालों का तो राजस्थान वालों के साथ वैसे भी बहुत बड़ा संबंध है। राजस्थान में राजपूत होते हैं, हमारे हरियाणा में जाट होते हैं। उनने पूछ लिया भाई तुम राजपूत कैसे, बोले अपनी बात पर जान दे दें। हमारे हरियाणा वाले से पूछा तुम हरियाणा वाले जाट कैसे, बोला हम बिना बात जान दे दें। मैं तो एक मेट्रो में बैठ लिया, एक ताऊ मिल गया मेरे को भाई साहब, मेट्रो में दिल्ली में, मैंने ताऊ मेरा ताऊ दिल्ली का तो ताऊ भी उस्ताद भाई साहब हरियाणा का, मेरे से बोला रहा छोरे बलबीर का है, मैंने कहा ना ताऊ मैं बलबीर का कोनी, पिताजी के नाम से पूछ लेते उसका है क्या। अरे बोला बलबीर का है, मैंने कहा ना ताऊ बलबीर का कोनी, पर ताऊ को कहां चैन, वो तो ऊंट था। अरे बोला बलबीर का है, मैंने कहा ताऊ तीन बार मना कर ली मैं बलबीर का नहीं हूं, पर ताऊ तो ताऊ था। अरे बोला बलबीर का है, मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं, बोला होगा भाई बलबीर का पर तू लागता कोन्या। ये हमारे हरियाणा की मस्ती आती है साहब, विशेष बात होती है हमारे हरियाणा के अंदर। सुनिएगा साहब, अभी राष्ट्रपति साहब का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति साहब का चुनाव हुआ, उन्होंने दो लोगों को भाई साहब, वहां अडवाणी जी भी चले गए, अडवाणी जी से वेटर ने पूछा साहब क्या लेंगे, अडवाणी जी बोले लेने तो शपथ आया था पर तू एक काम कर जल जीरा लिया। अभी स्थितियां ऐसी हो जाती है। जब हमारे राष्ट्रपति साहब का चुनाव हुआ तो उन्होंने चार लोगों को हिंदुस्तान में चुना कि चार लोग आओ और पाकिस्तान को निपटाओ, भी पाकिस्तान की बहुत सारी बातें करी। हमारे पवार जी ने बेहतरीन वीर रस का परिचय दिया, जो वास्तव में वीर रस का कवि होता है। अब ये सुदीप आया था शुरू में भाई साहब, हास्य रस का कवि है। एक दिन इसके मन में वीर रस जाग गया, घर में गया और घंटी बजाई, जाते बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। बच्चों ने कहा देखो आप पापा के पता नहीं क्या हो गया, अपने अंदर से मम्मी को बुला के लाए, मम्मी देखना पापा के क्या हो गया, सुदीप लगा हुआ सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। लुगाई बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ। खाम खा की बात, बेकार की बात भाई साहब। 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, अभी बता रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने पहचान बनाई, अमरीका गए लंदन गए भाई साहब, कोरी झूठ, कहीं नहीं गए बिल्कुल। बेंगलोर भी पहली बार बुलाया इनको, मैंने 10 साल पहले फोन करा, मैंने कहा सुदीप भाई कहां, बोला कनाडा। अरे मैंने कहा किस लिए, बोले कवि सम्मेलन में, मैंने कहा यार मैं आज तक बंगलोर तो आगे नहीं गए, कनाडा पहुंच गया, हो जाता भाई साहब। 1 महीने बाद फिर फोन करा, मैंने कहा सुदीप भाई कहां, बोला अमेरिका। मैंने कहा किस लिए, बोला कवि सम्मेलन में बुलाया है। मेरे को शक हो गया भाई साहब, मैं घर पे गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे मैं बोला पापा कहां है, बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांजे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने कहा सुदीप भाई कहां, बोला स्विट्जरलैंड। तू कहां, मैंने कहा दरवाजा खोल स्विट्जरलैंड के बाहर खड़ा हूं। एक बार तालियां बजाओ जरा जोरदार, तालियां थोड़ी बज रही हैं आपकी, हाँ ये मस्ती चाहिए साहब। राष्ट्रपति साहब ने बुलाया हम चार लोगों को, बोले भाई चार लोग देश में पाकिस्तान को निपटा सकते, बोले कौन कौन, बोला एक तो बाबा रामदेव निपटा देगा पाकिस्तान को। अरे बोला बाबा रामदेव पाकिस्तान को कैसे निपटा देंगे, बोले बाबा रामदेव ने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, पाकिस्तान को तो 2 मिनट में निपटा देंगे। बोले और, बोले एक और बुला लो केजरीवाल साहब को, केजरीवाल भी पाकिस्तान को निपटा देंगे। एक बोला केजरीवाल पाकिस्तान को बिल्कुल निपटा सकते, बोले निपटाएगा नहीं तो कम से कम दुखी तो कर ही देगा। अरे बोला तीसरा, बोला तीसरे बुलाओ मोदी जी को, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। और बोला चौथे, चौथे पे आपको खुशी हो तो ताली बजाना। चौथा भाई साहब फिर कोई समझ में नहीं आया तो फिर मेरे को बुलाया राष्ट्रपति साहब ने। इन चार लोगों ने ताली नहीं बजाई, ये मेरे से जलते हैं क्योंकि इनको कभी केजरीवाल ने नहीं बुलाया, हमें बुलाया राष्ट्रपति साहब ने। बोले पाकिस्तान को निपटाना कैसे निपटाओगे, चार लोगों ने अपने अपने अंदाज से पाकिस्तान को कैसे निपटाया। हास्य से आपका प्यार चाहता हूं, मैंने हास्य कहां से निकाला सुनिएगा साहब। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तेरे तुझे घुमा के मार डालूंगा। वाह बहुत अच्छे। अभी एक दोस्त मेरा रोते हुए आया मेरे पास, बोला यार दादाजी गुजर गए,
अरे मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार दादाजी मर गए। मैंने कहा फिर रो क्यों रहा यार इतना बड़ा होके? बोला यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। अरे मैंने कहा तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोले यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले भाले, बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना, बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली, बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने सुंडी तक खींच ली, बाबा बोला और खींचो, इतनी देर में लाइट चली गई। चे वाह, थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई साहब। नहीं घबरा जाता हूं भाई साहब, मैं एक कवि सम्मेलन में गया, एक आदमी लठ लेके आ गया बिल्कुल पास में। मैंने कहा भाई साहब बैठ जाऊं क्या? बोला नहीं तू तो हमारा अतिथि है, तू तो लगा रहा है, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने तेरे को बुलाया है। तालियां पीछे वाले कम बजा रहे हैं साहब। इतनी देर में लाइट आ गई, बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजू बोले केजरीवाल, और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। कि मैंने सीटी कौन बजा रहा, राहुल गांधी का चेला। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा, 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा, 56 तेरे टुकड़े बना। मीडिया वाले ने सवाल करा मोदी जी से, मीडिया वाला आया मोदी जी के पास, बोले एक पहले प्रधानमंत्री था वो बोलते नहीं थे, और एक आप हो। मोदी जी बोले मेरी तुलना उनसे मत करो। बोला क्यों? मोदी जी बोले सुनो मेरी तुलना मनमोहन सिंह जी से कभी मत करना। बोले क्यों? बोले सुनो कि किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, किसकी मजाल, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। वाह 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 वाह, कि किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। और रोमिंग में जेटली है, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती ड्यूअल सिम फोन है। वाह वाह वाह, रोमिंग में जेटली है, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती ड्यूअल सिम फोन है, मेरे पास गुजराती ड्यूअल सिम फोन है। किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। रोमिंग में जेटली है, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती ड्यूअल सिम फोन है, मेरे भाषणों में ऐसी जादू वाली टोन है। और पाकिस्तान जानता है, दाऊद भी मानता है, भारत का शेर ऐसा दुनिया का डॉन है, भारत का शेर ऐसा दुनिया का डॉन है, भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है। पर मोदी जी ने भाई साहब एक काम बड़ा जुलम करा, नोटबंदी कर दी अभी पिछले 2 महीने पहले, 2 साल पहले, 2 साल पहले, मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, 8 नवंबर को नोटबंदी हुए थे, 7 तारीख को मैंने अपने लुगाई से कहा, मैंने कहा 5,000 रुपये दे दे बहुत जरूरत है। बोली तेरी कसम जहर खान ने पीसे नहीं भाई साहब। 2 दिन बाद इतना पैसा निकला, आधा बैंगलोर जेल खा के मर गया। उसी दिन मेरे को एक आदमी रोता हुआ मिला, बोला यार मोदी जी ने मरवा दिया। मैंने कहा क्या हुआ यार? कह रहा यार रात रात के अंदर ऐसी घोषणा कर दी, अगर एक बार मोदी जी मिल जाए तो 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। मैंने कहा 4 पंक्ति क्या कहेगा भाई मोदी जी को? बोला सुनो, मैंने कहा एक बात तो मेरी सुन ले तू, तेरे पास काला धन होगा। बोला हाँ। मैंने कहा मोदी जी किसी भी काली चीज ने नहीं छोड़े, मोदी जी हर काली चीज को सफेद कर देंगे, काला धन क्या, हर काली चीज को सफेद कर देंगे। बोला तू कैसे कह सकता है? जो मैंने उत्तर दिया, आखिरी एक ताली, आखिरी श्रोता की ताली चाहता हूं। मैंने कहा मोदी किसी काली चीज को नहीं छोड़ेंगे, सबको सफेद कर देंगे। बोला तू कैसे कह सकता है? मैंने जो उत्तर दिया, मैंने कहा देख अमेरिका का राष्ट्रपति। वाह 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 वाह, काला था, पीछे वालों ने ताली नहीं बजाई, बात अच्छी नहीं लगी, अब बजाइए साहब। बोला यार मोदी जी मिल गए तो 4 पंक्ति कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या कहोगे? 4 पंक्ति सुनिएगा साहब। क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात,
एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे है। वाह, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीव को जला दोगे। जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, जियो जियो जियो, समझ गए ना, कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और चौथी पंक्ति में भरपूर तालियां, कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे।